हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन एट योर होम। आई विल टीच यू इंग्लिश ग्रामर क्लास सेकेंड। चैप्टर 5, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। ए नाउन दैट वी कैन काउंट इज ए काउंटेबल नाउन। वी कैन काउंट सम नाउन, जिस नाउन को हम काउंट कर सकते हैं वह कौन सी नाउन कहलाती है? काउंटेबल नाउन। वन एप्पल, टू एप्पल्स। वी यूज ए और एन फॉर वन पर्सन और थिंग। ए बेबी, एन आइसक्रीम। हम ए और एन कहाँ लगाते हैं? वन पर्सन और वन थिंग, जहाँ वन पर्सन हो, एक वन पर्सन हो और जहाँ वन थिंग हो। वी यूज ए फ्यू और मैनी फॉर मोर देन वन पर्सन और थिंग। हम ए फ्यू और मैनी कहाँ लगाते हैं? जहाँ पर मोर पर्सन या थिंग्स होती हैं। ए फ्यू पीपल, मैनी काइट्स। यहाँ पर वन थे तो हमने ए और एन लगाया, यहाँ ज़्यादा है तो हम क्या लगा देंगे? ए फ्यू एंड मैनी काइट्स। काउंटेबल नाउन्स हैव प्लूरल फॉर्म्स। जो काउंटेबल नाउन्स होती है वो कैसी फॉर्म में होती है? प्लूरल फॉर्म्स में। ए नाउन दैट वी कैन नॉट काउंट इज एन अनकाउंटेबल नाउन। और जिस नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते वो कौन सी नाउन कहलाती है? अनकाउंटेबल नाउन। वी कैन नॉट काउंट सम नाउन्स, हम कुछ नाउन्स काउंट नहीं कर सकते। टी, शुगर। ए लिटिल हनी, ए लिटिल बटर। मच मनी, मच मिल्क। अनकाउंटेबल नाउन्स डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म। जो अनकाउंटेबल नाउन्स होती है जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो प्लूरल फॉर्म्स में नहीं होती हैं। एक्सरसाइज टाइम। नंबर 1, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, टिक द राइट ऑप्शन। नंबर 1, ए नाउन दैट वी कैन काउंट इज नाउन, हिज आंसर इज काउंटेबल। नंबर 2, A noun that we cannot count is an noun, his answer is uncountable noun. Number B, underline the countable nouns in the following sentences. आपको underline करनी है जिस noun को हम count कर सकते हैं। Number 1, they have 10 twice. 10 twice पर हम underline कर देंगे। Number 2, he is playing with a ball. नंबर 3, ए बॉय रैन ऑन द रोड। नंबर 4, प्रिया हैज़ ए न्यू पेंसिल। नंबर C, अंडरलाइन द करेक्ट वर्ड इन द ब्रैकेट्स, हमें करेक्ट वर्ड्स पर ब्रैकेट करना है। नंबर 1, गिव मी ए लिटिल मिल्क। मिल्क के लिए हमेशा क्या लगाते हैं? ए लिटिल। इज आंसर इज ए लिटिल मिल्क। नंबर 2, दे हैव मच मैनी फ्लोर इन द टीन, हिज आंसर इज मच। नंबर 3, वी हैव मैनी मच चेयर्स इन द क्लासरूम, हिज आंसर इज मैनी। नंबर 4, रॉबिन वांट्स टू टेक ए फ्यू बटर, हिज आंसर इज ए लिटिल। नंबर 5, देयर इज ए लिटिल डस्ट ऑन द बुक, हिज आंसर इज ए लिटिल। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर ए एंड क्वेश्चन नंबर डी फिल योर बुक, एंड क्वेश्चन नंबर बी इज़ योर होमवर्क। डू योर होमवर्क इन योर नोटबुक केयरफुली। योर 5th चैप्टर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स इज कंप्लीट। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।